अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अलीना, आप देख रहे हैं अलीना का किचन यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। तो जी, आज हम बनाएंगे ऐसा रायता जो कि आपने कभी नहीं खाया होगा। यहाँ पर मैंने घिया लिया था, घिया को मैंने अच्छे से कश कर लिया था और इसमें अब पानी डाल के इसको उबाइल करने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे मैंने घी को उबाइल करने के लिए रख दिया है, तकरीबन 5 मिनट में ये उबाइल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिया है दही। दही को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे कि इसमें कोई भी फुटकरी टाइप ना हो, तो इसलिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि अभी तक ये उबाइल नहीं हुआ था, तो नेक्स्ट स्टेप फिर हम आपको अपना बताती हूँ। इसमें हम मिक्स करेंगे, ठीक है, कि इसमें कोई फुटकरी ना रह जाए। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें हरी मिर्चें कुछ चॉप की हुई ऐड करेंगे, अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप हमने अपना क्या करना है, और उसके बाद हम इसमें करेंगे नमक ऐड। नमक आप अपने हिसाब के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो जी, इसको मिक्स करेंगे। ये रायता इतना मज़े का और इतना टेस्टी बनता है और आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं घी हमारा अच्छे से उबाइल हो चुका है, क्योंकि इसका कलर भी चेंज हो गया है। सबसे पॉइंट की बात यह, जब आपको लगे कि घिया उबाइल हो गया है तो इसका सबसे पहले कलर चेंज होगा। तो यहाँ पर मैं लूँगी एक छाननी। छाननी में हम इसको घी को निकाल देंगे, इस तरह से पानी नीचे चला जाएगा और घिया हमारा साइड पे आ जाएगा। ये रायता आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो इसलिए क्योंकि जिन लोगों का बीपी लो रहता है या बीपी हाई रहता है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप लोग ये रायता ज़रूर खाया करें। घिया का रायता कभी भी आप लोगों ने नहीं खाया होगा। तो अब हम इसमें कर देंगे घिया ऐड। ये रायता सबके दिल जीत लेगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो जी, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप लोग जिनका बीपी हाई रहता है वो लोग तो लाजमी ये इस्तेमाल करें। इसमें हंस मजा का काली मिर्च ऐड करेंगे और काली मिर्च ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और जो लोग अपना वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, ये उनके लिए भी रायता बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसलिए वेट लूज़ के लिए भी आप ये रायता इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही लजीज है। और ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना अच्छा और कितना खूबसूरत हमारा घिया का रायता रेडी हो चुका है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आए। तो जी, अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।